खाना खिलाया, ढाल से हालत खराब, दरवाजे से गोली भी नहीं पार होती है, चाहे एटम बम गिरा दो कुछ नहीं होगा। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम जा रहे हैं जमशेदपुर से कहीं दूर, जो है कोलकाता, और फिर कोलकाता से हम लोग जाने वाले हैं गोवा। सुन के मज़ा आ रहा है ना, वीडियो भी मज़ा आएगा। तो मेरे साथ है कोलकाता के सफ़र में मेरे चाचा। हेलो। तो इस वक्त हम आ चुके हैं जमशेदपुर रेलवे स्टेशन, यानी टाटा नगर रेलवे स्टेशन पे। हमारा ट्रेन है गीतांजलि, जो कि एक घंटा डिले पड़ रहा है। इंडियन रेलवे कुछ करिए इसका, ये सब नहीं चलेगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। अब मास्क ऊपर कर लेते हैं, पहले कोरोना बढ़ रहा है, चलिए चलते हैं। ये इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पे आ गए हैं और हमारा ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। तो दोस्तों ट्रेन पकड़े, ये मेरा सेकंड दूसरा ट्रिप होने वाला है लंबा कहीं महाराष्ट्र का। पहले तो कोलकाता जा रहे बेंगलोर, फिर महाराष्ट्र। अब ट्रेन हमारा आएगा इसी प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों मैं अपनी सीट पे आ चुका हूँ और मुझे विंडो साइड ही मिला है। अब यहाँ से कुछ देर में ट्रेन निकलेगी और अंकल बैठे हुए हैं इधर में। तो हम लोगों ने 4 सीट करवाया था, तो सिर्फ हम और अंकल ही साथ में आए हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं खड़गपुर और हो रही है बारिश। अब देखते हैं कोलकाता पहुंच के क्या सीन रहता है बारिश का। जैसा कि सारा था कि बारिश होने को है 3 दिन, और वो भी जिस दिन हम जा रहे हैं उसी दिन। अब खड़गपुर जो है, अब वहाँ का सीन आपको दिखाते हैं। तो गाइज हम अभी उतर चुके हैं हावड़ा स्टेशन पे। हावड़ा स्टेशन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अभी बाहर चलते हैं, कहीं होटल वगैरह बुक करते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों वेलकम बैक। अब हमने अपना एक रूम ले लिया है, मुझे कुछ इस तरह का रूम मिला है। उसका प्राइस लगभग 600 का पड़ा है यहाँ पे, विद कमीशन। वो कमीशन क्या है वो चल रही है दोस्तों। तो अभी रिक्शा लेने का प्लान कैंसिल हुआ, क्योंकि ब्रिज जो है वो आपको सामने में दिख रहा होगा, एकदम सामने में। तो हमने चल के जाने का ही सोचा। ये है मेरे सामने हावड़ा ब्रिज। अब आपको कैसा व्यू मिल रहा है वो आप वीडियो पे बताइएगा। और ये मैंने फर्स्ट टाइम कोलकाता आया हूँ, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। और यहाँ बहुत सारे पीली पीली गाड़ियाँ हैं, जिसे लोग टैक्सी कहते हैं। तो इस वक्त आ चुके हैं मेट्रो गली पे, यानी चांदनी मार्केट, क्या कुछ भी बोलिए। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमें। हमें तो बेसिकली माइक लेना है, तो कैमरा शॉप ढूंढना है कहाँ पे है। मास्क ऊपर कर लेते हैं। हमारे नीचे है श्रम का ट्रक। ये पूरा है चांदनी मार्केट, यानी मेट्रो गली। तो दोस्तों अभी मैंने बोया का माइक लिया मेट्रो फोटोग्राफिक से। इनका बहुत सारा वीडियो है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। यहाँ सेकंड हैंड DSLR का मार्केट है। कोलकाता के चांदनी मार्केट पे घूमते घूमते हमें मिला है देसी चाट ना। ये देसी चना का देसी चाट जो भैया बना रहे हैं। अब कैसे बना रहे वो देखते हैं। चना खिलाया, ढाल से हालत खराब। इतना मिर्ची क्यों डालते हैं? मिर्ची भी पूरा तेज रखे अपना शकल की तरह ना। तो आप लोग भी जो भी यहाँ आएंगे तो इनके पास खा के एक बार जरूर जाइएगा, कुछ यूनिक है, कुछ अच्छा है। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी जगह पे।
जब तीखे से हाल खराब हुआ तो हम आए हैं क्या है बॉम्बई मिल्क बार पे लस्सी पीने के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लस्सी कैसा बनाया जा रहा है और पीते हैं। भैया लस्सी हो जाएगा, बना दीजिए। तो अभी भैया जी लस्सी बना रहे हैं, ये इनका दही है और इसमें लस्सी बनाते हैं। तो हम लोग बिना बर्फ का लस्सी ले रहे हैं क्योंकि ठंड भी है और गले का बैंड भी बच सकता है। दोस्तों आज है दूसरा दिन और क्योंकि कल कुछ खास हुआ नहीं चांदनी मार्केट के बाद, इसीलिए वीडियो को कंटिन्यू किया नहीं। इस वक्त मैं जा रहा हूँ दक्षिणेश्वरी मंदिर, जो कि अभी मैं बस में चढ़ा हूँ, मिनी बस में, जो कि हमें उतारेगा बालीघाट पे। वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे दक्षिणेश्वरी मंदिर। तो ये जो मिनी बस कुछ बहुत ज़्यादा ही हिलता है यहाँ का, हम लोग जमशेदपुर का मिनी बस वैसा नहीं है। चलिए अब आगे पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अभी बाली खाल से उतर के हम लोग आ चुके हैं गंगा नदी के ऊपर में। ये है गंगा नदी का ब्रिज और आप लोग गंगा नदी देख भी सकते हैं। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं दक्षिणेश्वरी टेम्पल, जो कि काली माँ का मंदिर है, जो वहाँ पर ही दूर आपको दिख रहा होगा एक। तो यहाँ पे शायद वीडियो बनाना अंदर में अलाउ नहीं है, तो हम आपको बाहर से ही दिखा देंगे। तो ये कुछ गंगा नदी का नज़ारा है और ये एक रेलवे ब्रिज। इस वक्त हो रही है बारिश। हम लोग अभी दक्षिणेश्वरी मंदिर आ चुके हैं, देखते हैं अभी यहाँ वीडियो के लिए अलाउ मिलता है कि नहीं। चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कैसा है यहाँ का मंदिर। बहुत ही बड़ा, दूर से ही दिख रहा था, बहुत बड़ा मंदिर है बोल के। पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं और बारिश भी बहुत हो रही है, इसी कारण से हम आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ मंदिर से, दक्षिणेश्वरी मंदिर से दर्शन किया और वहाँ से एक्सकवेटर से ऊपर आ रहे हैं। ये रोड से ऊपर में बना हुआ है, जाने के लिए पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो इस चक्कर में। तो अब यहाँ से हम लोग जाएंगे विक्टोरिया मेमोरियल, अब वहाँ चल के डायरेक्टली अब वहीं चल के मिलेंगे क्योंकि बारिश जो हो रही है ना, और मोबाइल अगर बारिश से गया ना फिर आप समझ रहे हैं। है मेरा